हार्मोन है बेटा, तो ये यूजुअली रिलीज करता है मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ए है गैस्ट्रिन, इनहिबिटरी पेप्टाइड सेक्रेटिन, फिर बाद में है बेटा सी सी के, कॉलीसाइटोकाइनिन बोलते हैं, कॉली सिस्टोकाइनिन, और एक और हार्मोन है जिसको आपने बोला गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जी पेप्टाइड। आई पी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बेटा, ये जो होता है ना, ये इसका एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है, गैस्ट्रिन का। अब देखिए, अब बेटा ये जैसे ये आपका स्टमक है, ये एक्ट सारे स्टमक पे करते हैं, लेकिन रिलीज कहाँ से होते हैं बेटा? आपके इंटेस्टाइन में इधर कुछ सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स ड्यूओडेनम में होते हैं, तो यही रिलीज करते हैं बेटा। जैसे इसने रिलीज किया गैस्ट्रिक, क्या रिलीज किया? गैस्ट्रिन या गैस्ट्रिक जो भी है, इसने गैस्ट्रिक रिलीज किया बेटा। ये इंडोक्राइनिक टिश्यू है, क्या है? एक तरीके का इंडोक्राइनिक टिश्यू है। अभी बेटा जाएगा, ये जाएगा आपके स्टमक में, कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर लाइनिंग्स हैं, और यहाँ पे ऑक्सेंट्रिक सेल्स हैं जिनको पराइटल सेल्स भी बोलते हैं, उनसे ये रिलीज कराएंगे एस सी एल। क्या रिलीज कराएंगे? दो हार्मोन रिलीज कराएंगे यहाँ से गैस्ट्रिन, एक नंबर पे एस सी एल कराएंगे बेटा, और दो नंबर पे पेप्सिनोजन। कौन सा? पेप्सिनोजन, ठीक है, और इसको एक बैलेंस करने वाला भी होता है। वो तो बाद में आएगा। चलिए देखिए, ये हो गया गैस्ट्रिन का काम। किसका काम हुआ ये? गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन का। अब गैस्ट्रिन आपको क्लियर है हाँ बेटा? गैस्ट्रिन हो गया, गैस्ट्रिन के दो हार्मोन रिलीज हो गए। अब गैस्ट्रिन के बाद दूसरा जो हार्मोन रिलीज होता है बेटा इसके अंदर से, वो कौन सा नाम लिख पड़ा हमने? सेक्रेटिन, ठीक है। कौन सा? सेक्रेटरी। सेक्रेटिन जो है बेटा, ये क्या लगता है, स्टमक पैक करेगा? सेक्रेटिन जो है बेटा, ये एक्ट करता है पेंक्रियास पे, किससे? तो पैकड़िया वो यहाँ, बाइल जूस सिक्रेशन। हाँ हाँ, ये जाके एक्ट करता है बेटा आपके पेंक्रियास पे, और सेक्रेटिन स्टिमुलेट कराता है पेंक्रियास को, और रिलीज कराता है, सेक्रीशन कराता है बेटा वाटर का और बाइकार्बोनेट एस सी ओ थ्री माइनस आयंस का। किसका? एस सी ओ थ्री माइनस, यही बेटा बैलेंस करते माइनस। हैं एस सी एल को, ठीक है, जो कि बना था आपके गैस्ट्रिक सेल से। हाँ और दूसरा क्या यस। रिलीज कराएंगे बेटा? वाटर भी रिलीज कराते हैं, H2O, ठीक है, दूसरे रिएक्शंस के लिए। क्लियर है सेक्रेटिन का फंक्शन? ये हो गया सेक्रेटिन का फंक्शन बेटा। तीसरा जो हमारे पास हार्मोन है, क्या नाम है बोलो? सी सी के तीसरा हार्मोन है सर ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन पेप्टाइड। ना, वो तो बाद में देखे, सी सी के देख लेते हैं पहले। सी सी की क्या है बेटा? कॉलीसाइटोकाइनिन, ठीक है, ये भी ड्यूओडेनम सेक्रेट करेगा बेटा। ये क्या कराता है? ये जाता है गाल ब्लैडर के पास, मतलब यहाँ लीवर है, सपोज बना देते हैं, ये लीवर है, यहाँ पे गाल ब्लैडर है बेटा। गाल ब्लैडर जाके यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा आपके पेंक्रियास से, ठीक है। तो ये गाल ब्लैडर पे एक्ट करता है बेटा, ये जो हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम सी सी के है, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये एक्ट करेगा गाल ब्लैडर पे, और गाल ब्लैडर का पल्पेशन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और ये करेगा बाल जूस सिक्रीशन। हाँ, गाल ब्लैडर, ठीक है। पेंक्रियास पे भी होता है बेटा सी सी के, और गाल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है दोनों पे, और फर्दर स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन पेंक्रियास के एंजाइम्स, बाइल जूस, मतलब एंजाइम भी रिलीज कराता है पेंक्रियास में, ठीक है। ये सी सी के और कहाँ जाता है बेटा? पेंक्रियास में जाके बाइल जूस भी रिलीज कराता है। क्लियर? सर ओके, तो बोलो, ये तीन फंक्शन हो गए, लास्ट में पूछता हूँ आपसे सारों के। लास्ट में है जी आई पी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जीआईपी। गैस्ट्रो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो बेटा इनहिबिट करता है, क्या इनहिबिट करेगा ये? ऑब्वियसली सेक्रीशन इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक के, हाँ, ये मेरा बेसिकली जो भी मतलब एचसीएल ज्यादा रिलीज हो रहा है कि नहीं ये सबको इनिबेट करेगा। इनहिबिट करेगा, इन शॉर्ट बेटा गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो बनता है, हाँ ठीक है, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को।
ठीक है। ओके तो ये याद रखिएगा। और बेटा इसको हम लोग इंटरो गैस्ट्रोन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? इंटरो गैस्ट्रोन, इंटरो गैस्ट्रोन, GSTRONE, इंटरो गैस्ट्रोन भी बोलते हैं। अब बेटा दूसरे जो नॉन एंडोक्राइनिक टिश्यू होते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करते हैं नॉर्मल ग्रोथ टिश्यू के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिजनरेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। आप जल्दी चारों के बारे में बताइए। ग्रोथ फैक्टर्स चार रिलीज कर दिए नॉन बेटा एंडोक्राइनिक इसमें। टिश्यूज जो होते हैं, या अभी जो हमने पढ़ा था बेटा, वो कौन से टिश्यू थे? इंडोक्राइनिक, नॉन इंडोक्राइनिक ग्लैंड थे, ठीक है, जो कि सेक्रीट करते थे हॉर्मोन्स। ठीक है, ऐसे ही नॉन इंडोक्राइनिक टिश्यू भी होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर सेक्रीट करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर नॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ कराएगा, नॉर्मल ग्रोथ कराता है टिश्यू का, या तो उनके रीजनरेशन कराता है, रिपेयरिंग कराता है, सारी चीज़ें। क्लियर? ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे आप मुझे अब चारों